जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। जेल भेजा गया रमेश, तो दूसरी तरफ घटना के विरोध में सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। नौगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन के वाहन पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी रमेश साह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ घटना के विरोध में सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि रमेश के समर्थन में कई लोगों द्वारा धमकी दी गई है, जिससे आशंका है कि रमेश के समर्थन में उतरी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए। सफाई कर्मियों ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था होने तक वे लोग हड़ताल पर रहेंगे। नौगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि नगर परिषद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जीबी कॉलेज में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं मनचले। नौगछिया के जीबी कॉलेज में इन दिनों स्नातक सब्सिडरी विषयों की परीक्षा हो रही है। परीक्षा देने वालों में अधिकांश लड़कियां हैं। परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहने से यहां पर मनचले खुलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लड़के लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। गुरुवार को एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखने सुनने वाले आश्चर्यचकित हैं। एक लड़की परीक्षा कक्ष से निकली ही थी कि एक उसके साथ बातें करने लगा। लड़के ने लड़की के साथ खींचातानी शुरू कर दी और अंत में लड़की का मोबाइल छीनकर भाग गया। लड़की रोने लगी तो महाविद्यालय के कॉमन रूम में उसे बिठाया गया। फिर परिजनों के आने के बाद लड़की को उसके परिजन घर लेकर गए। कई छात्राओं ने बताया कि दोनों के बीच हॉट टॉक सुनकर लग रहा था कि मामला बेहद निजी था, लेकिन कॉलेज परिसर में इस तरह की हरकत के बाद वे लोग डरी सहमी हैं। छात्राओं ने कहा कि परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही कुछ लड़के फप्तियां कसते हैं और कभी कभी मोबाइल पर अश्लील भोजपुरी गीत बजा देते हैं। छात्राओं ने परीक्षा के दौरान कैंपस में पुलिस की प्रतिनियुक्ति करवाने की मांग की है। पुलिस ने नाटकीय अंदाज में शादी की नियत से अपहरित युवती को किया बरामद। कदवा पुलिस ने शादी की नियत से आज एक अपहरित नाबालिग लड़की को अलग नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शादी की नियत से जिस अपहरित नाबालिग लड़की को कदवा पुलिस ने बरामद किया है, वो मूल रूप से कदवा की निवासी है, जो कुछ समय से गाजियाबाद में अपने सब परिवार के साथ रह रही थी। प्रेमी युगल भी युवती के गांव का ही है। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद युवक ने गाजियाबाद युवती के आवास पहुंचकर अपने प्रेमिका को भगाकर शादी रचा लिया। मिर्जाफरी के बुनकरों की समस्याओं से रूबरू हुए DM। भागलपुर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन गुरुवार को खरीक प्रखंड के मिर्जाफरी के बुनकरों की समस्याओं से रूबरू हुए। DM ने महिलाओं द्वारा रेशम के धागे की कताई का बारीकी से अवलोकन किया। इस अवसर पर DM ने सिल्क धागा सूत कताई प्रशिक्षण केंद्र का फीता काट कर उद्घाटन किया। जिला पदाधिकारी ने खुद सिल्क धागा कताई कर प्रशिक्षण ले रहे महिलाओं का उत्साह वर्धन किया। मिर्जाफरी के बुनकरों की ओर से कस्तूरबा विकास ट्रेस के सचिव रंजीत कुमार ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मिर्जाफरी के बुनकरों को प्रशिक्षण, उत्पादित खादी और सिल्क कपड़ों का विपणन, आधुनिक चरखा और हैंडलूम मशीन उपलब्ध कराने की मांग की है। DM ने मिर्जाफरी में अवस्थित विभिन्न नए वस्त्र उत्पादक फैक्ट्रियों को नजदीक से देखा। खादी सिल्क कपड़ों और वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने जिला उद्योग विभाग के DM को मिर्जाफरी के बुनकरों से बात कर उसे जरूरी प्रशिक्षण देने, सिल्क सिटी का परिभ्रमण कराने और नई तकनीक से अवगत कराने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी के साथ नौगछिया SDO यतेंद्र पाल, VDO राजीव रंजन, अंचल अधिकारी निशांत कुमार, उस्मानपुर मुखिया गणेश मंडल, कस्तूरबा विकास ट्रेस सचिव रंजीत कुमार, कमरू जजमा अंसारी, आविद अंसारी, जियारत अंसारी, भूपेंद्र दास, परमेश्वर दास,
कातिन उषा देवी, सुनीता देवी समेत स्थानीय ग्रामीण और बुनकर मौजूद थे। महिला हुई लापता, परिजनों ने दिया थाने में आवेदन। गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव के ब्रह्मदेव मंडल पिता जानी मंडल ने आवेदन देकर अपनी पुतोहू सीमा देवी पति विजल मंडल की तलाश हेतु गुहा लगाई है। परिजनों ने बताया कि बीते 21 अगस्त को घर का काम करने 14 नंबर रोड पर स्थित खेत गई थी, जहां से घास काटते हुए घर के लोगों ने देखा है, लेकिन खेत में काम के बाद से लापता हो गई है। परिजनों ने आवेदन देकर थाना अध्यक्ष से महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर बरामद करने की गुहार लगाई है। एनसीसी कैडेटों ने की गौशाला तालाब की साफ सफाई। पुण्य सागर अभियान के तहत एनसीसी के 23 बिहार बटालियन भागलपुर के तत्वावधान में बाल भारती विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा गोपाल गौशाला के तालाब की साफ सफाई की गई। मौके पर बटालियन के कर्नल राजीव सिंह के दिशा निर्देश पर बाल भारती विद्यालय के एनसीसी ऑफिसर विकास पांडे, संध्या कुमारी और एनसीसी कैडेटों के द्वारा इस अभियान को संचालित किया गया। इस अभियान को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह, प्रशासक डीपी सिंह, विद्यालय के प्रेसिडेंट पवन सराफ एवं अजय रूंगटा ने सभी कैडेटों को प्रोत्साहित किया है और उक्त कार्य की सराहना की है। परबत्ता पुलिस ने गुप्त सूचना पर दो देसी कट्टा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। नौगछा के परबत्ता पुलिस ने बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर दो देसी कट्टा और एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि परबत्ता थाना के एसआई मुकुंद मुरारी को गुप्त सूचना मिली थी कि यमाहा मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधी नौगछा जीरो माइल होकर बोरवा गांव की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद मुकुंद ने सनी हेमंत कुमार के साथ परबत्ता थाना क्षेत्र के बोरवा गांव में ब्रह्म बाबा स्नान समीप ग्रामीण सड़क पर मोटरसाइकिल सवार को रोका, जहां अपराधी खगड़िया जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलबाड़ा निवासी शंकर दास का बेटा अभिषेक कुमार व दयानंद का बेटा सुमन कुमार को रोक लिया। दोनों की तलाशी के दौरान अभिषेक के पास एक लोडेड देसी कट्टा, एक ओप्पो मोबाइल बरामद हुआ। वहीं एक अपराधी सुमन कुमार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल भी रहा। उसके एक साथी अभिषेक को गिरफ्त में लेने के बाद उसके निशानदेही पर जब पुलिस ने सुमन के ससुराल बोरवा गांव निवासी अनिल मंडल के यहां छापेमारी की, तो वहां से भी एक देसी कट्टा, दो जिंदा गोली बरामद हुई है। थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अतिरिक्त यक्ष्मा केंद्र नौगछा में केएचपीटी के सहयोग से केयर एंड सपोर्ट ग्रुप की बैठक। अतिरिक्त यक्ष्मा केंद्र नौगछा में केएचपीटी के सहयोग से केयर एंड सपोर्ट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भारती सिन्हा के द्वारा किया गया। इस बैठक में विभिन्न तबकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। बैठक में 19 इलाज रत मरीज, 2 टीबी से ठीक हो चुके मरीज, 13 उनकी देखभाल करने वाले और सामुदायिक संरचना के 3 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। टीबी के वर्तमान मरीज को इलाज के दौरान होने वाली परेशानियों का समाधान डॉक्टर भारती सिन्हा के द्वारा किया गया और दवा वितरण भी किया गया। इस अवसर पर वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षण मनीष माधव, सीसी संदीप कुमार समेत अन्य भी उपस्थित रहे। शुक्रवार को पूर्वी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचेंगे नौगछा भाजपा कार्यालय। शुक्रवार को पूर्वी केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद नौगछा भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। जानकारी देते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे यहां पर 2 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। श्री प्रसाद के आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। नौगछा पुलिस ने फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। नौगछा पुलिस ने नया टोला नौगछा से फरार वारंटी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। शादी की नियत से अपहरित लड़की बरामद, आरोपी गिरफ्तार। नौगछा थाना क्षेत्र से शादी की नियत से अपहरित लड़की को नौगछा पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि इस मामले में आरोपी युवक कटिहार जिले के फलका निवासी मोहम्मद रजाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का मेडिकल जाँच करवाया गया है और बयान लेने की प्रक्रिया की जा रही है। एसिड पीने से नौगछा निवासी नाबालिग लड़की की हालत गंभीर, अनुमंडल अस्पताल में कराया गया इलाज। एसिड पीने से नौगछा के एक गांव की लड़की की हालत गंभीर हो जाने की बात कही जा रही है।
लड़की का इलाज नौगछा अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। कई घंटों के इलाज के बाद लड़की की हालत सामान्य बताई जा रही है। जानकारी मिली है कि मां के डांट से गुस्से में आकर लड़की ने बाथरूम साफ करने वाला एसिड पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था।